यह बृहस्पति बहुत जरूरी ग्रह है। बृहस्पति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति इन सभी क्षुद्र ग्रहों को गिरने से रोकता है, खींच के रखता है उधर की ओर इन सब को, क्योंकि वो बड़ा है और बड़ा ग्रह के पास उपग्रह गुरुत्वाकर्षण ज्यादा रहता है। देखो इसे खींच के कौन रखता है? बृहस्पति। इसलिए उसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है? किसी चीज को खींच के रखना। तो वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है? खींच के रखना। तो कई बार सफाई करने के लिए आदमी वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करता है। जैसे कार है, गाड़ी है, तो उसमें झाड़ू नहीं मारिएगा, तो उसमें हाई पावर का एक वैक्यूम क्लीनर होता है, सारा गर्दा को खींच लेता है। उसी क्या कहेंगे? वैक्यूम क्लीनर। क्या कहेंगे? अच्छा, वैक्यूम क्लीनर कैसे खींच लिया आदमी, वही क्या हो गया? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर तो किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं? अगर बृहस्पति खींचना छोड़ दे तो हम सब मर जाएंगे कि नहीं? मर जाएंगे। तो हमारी जीवन जीवन लीला में बहुत बड़ा योगदान किसका है? और बृहस्पति एक चक्कर पूरा करता है 12 साल में। कितने साल में? यानी अगर आप बृहस्पति पे रहने चल गए तो एक हैप्पी बर्थडे मनाएंगे कब? 12 साल। एक चक्कर पूरा करेगा 12 साल। और भारत में इसी 12 साल बाद एक कुंभ का मेला लगता है, 12 साल बाद महाकुंभ। तो बृहस्पति कितने साल पे चक्कर लगा? खींच के कौन रखता है? लेकिन ये मंगल जो है, मंगला, ये मंगल, ये इतना खचरा है, इतना खचरा है कि इधर वाले जो उनका पिंडवा होते हैं, इसको ये क्षुद्र ग्रह को बुला लेता है, आओ ना, आ जाओ इधर, आ जाओ। इतना खचरा है कि कहता है, भैया मर तो कर, भैया मर, भैया वो पति देख तो, इन्हें कुछ ही पता चलता। ये इतना खचरा है मंगल। अच्छा, मंगल और इसमें दूरी है लगभग 1 करोड़ किलोमीटर। कितना? 1 से 2 करोड़ किलोमीटर है। तो ये बैला घींच लेता है इसको, आओ 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 आओ, और अपने चल जाता है, घींच के अपने आगे बढ़ जाता है, बुलाया और अपने चल गया आगे। ध्यान से समझो, घींच लिया और चल गया आगे, बस इधर गिर जाता है पृथ्वी पे, भवाग गिर जाता है कहां पे? पृथ्वी। सोचिए, बिना मतलब का, बिना मतलब का बुलाया कौन था? लोग कहते मंगल में काम करो शुभ होता है, अरे दादा हो दादा, वो तो हम लोग जिंदा बचे हैं, हमारे बाहर वायुमंडल की एक परत है, वायुमंडल की परत है, वो उनका पिंड को जला देती है। ये उपग्रह जो आता है इसको क्या करती है? जला देती है। तो रात में कभी कभी देखते हो कोई तारा ऐसे लग रहा है टूट के ऐसे गिर रहा है, वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो टूटता तारा नहीं है, इसी बैला का करामात है। ये किसी को बुला के अपने चल दिया होगा और धड़ा के पृथ्वी पे गिरा होगा। पृथ्वी का आयन मंडल किसी भी चीज का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस कर देगा। जैसे कल्पना चावला का वायुयान जल गया था ना, वैसे इन जला के खत्म कर देता है, जल जाता है। तो ऐसे तुरंत वो क्या हो जाए? जल के खत्म हो जाता है। तो अक्सर देखते हुए आप लोग मन्नत मांगते होंगे, देख के मांगते हो, मन्नत मांगते हो? नहीं मांगते हैं लोग। ये सब सीबीएसई वाला करता है, सब सीबीएसई वाला नहीं, सब एकदम फरियर होता है, एकदम खूब मन्नत मांगेगा। 1 जनवरी कर, आज रिवोल्यूशन डे, हम कहीं कौन चीज घूर्णन करेगा तुम? कहा नहीं नहीं, आज हम लोग प्रतिज्ञा लेंगे। ये तो जात नहीं दी, जो जिंदगी साल भर तुम नौटंकी करोगे और 31 दिसंबर को प्रतिज्ञा ले लोगे कि अगले दिन से ये काम नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है? धीरे धीरे कोई चीज चेंज होती है ना यहाँ पे। हाँ, तो 31 तारीख को प्रतिज्ञा लेगा कि 1 जनवरी से बतियाना नहीं हो क्रास में, पहले दाएं देखो मैसेज आएगा, तुरंत बतियाना चालू कर दोगे। आगे बढ़े तो बताओ, पृथ्वी पर गिरने वाला उल्का पिंड को बुलाता कौन है? कहां से बुलाता है? क्षुद्र ग्रह की पेटी से। क्षुद्र ग्रह की वो जल जाते हैं किसके वजह से? वायुमंडल के कारण जल जाते। अच्छा एक बात बताओ, अगर बहुत बड़े आकार का उल्का पिंड आ गया तो कंप्लीट जलते 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 की तब तक पृथ्वी आ जाएगी? अरे छोटा रहेगा ना, जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ा आकार का रहा तो जलते 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 तब तक क्या आ जाएगी? पृथ्वी। अब पृथ्वी पे धबाक से गिरेगा यहां पर, समझा गया कि नहीं? आ गया। महाराष्ट्र में एक ठो गिरा था धबाक से एकदम, वहां एक तालाब बन गया, नाम है उसका लोनार झील। क्या नाम है? आज से 3.5 करोड़ साल पहले, आज से 3.5 करोड़ साल पहले इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड गिरा था।
क्या नाम था? इजिप्ट। इतना बड़ा उल्का पिंड था, इतना बड़ा उल्का पिंड था कि दब गया वहां पे जमीन, प्रशांत महासागर दब गया वहां पे। और जब दबा ना यहां पे, इतना पृथ्वी पे झटका पड़ा यहां पर, इतना बड़ा झटका कि पृथ्वी का मैग्मा अंदर का धधकता हुआ आग का गोला है, जहां दबा वहां के डायनासोर मरिए गए, और मैग्मा धकधका के बाहर निकला। इतना मैग्मा बाहर निकला, इतना मैग्मा लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक पूरा धुंध बादल छा गया और पूरा छाप गया यहां पर, सूर्य की रोशनी को रोक दिया। सूर्य का प्रकाश जब रुक गया ना, तो अंदर का टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो नहीं पाया, ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। तो और जितने जो मतलब बड़े बड़े जानवर थे वो सब मर गए, सब छोटे छोटे तो कहीं भी छुप के हो जाए रह जाए। जैसे भूकंप आ गया तो चूहा कोनो ना कोनो बिल में घुस के बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, हम लोग दबा जाएंगे। तो छोटे छोटे जीव बच गए सब, और जो बड़े बड़े फुल डबल एक्सल साइज के थे सब, डायनासोर वगैरह सब मर गए सब।